राजधानी भोपाल के सीहोर जिला में श्री गणेश मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चौथे दिन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संवाददाता मुकेश सिंह राजपूत ने पुजारी डॉक्टर चारू व्यास से इस मंदिर के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में उन्होंने बताया कि महाराजा वैश्य रथ लेकर यहाँ आए थे, उनका रथ सम्मोहित हो गया था, जब से यह गणेश जी यहीं विराजमान है। भोपाल से मुकेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्राचीन ऐतिहासिक श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर गणेश धाम सिद्ध करके संपूर्ण विश्व और भारत के कोने कोने से पधारे समस्त गणेश भक्तों को गणेश जी महाराज के चरणारविंद का शुभ आशीर्वाद। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर गणेश जी महाराज का 10 दिवसीय जन्मोत्सव संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश धाम सिद्धपुर में भी बड़े आनंद के साथ ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आज तक भगवान के महाभिषेक, पूजा पाठ, महाशृंगार, महाचोला, मंदिर के मुख्य पुजारी व्यवस्थापक पंडित नरेंद्र व्यास, पंडित भुवनेश व्यास, पंडित चारुमित्रा, पंडित पुष्पांजलि हेमलता और अथर्व कुशागर व्यास, पंडित डॉक्टर चारुचंद्र व्यास मुख्य पुजारी द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रतिदिन ठीक 12 बजे भगवान की आरती होती है, जिसमें हजारों भक्त भगवान के दर्शन का लाभ लेते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेले को अनुष्ठान के रूप में परिवर्तित किया गया है और 10 दिवसीय मेले का स्वरूप 10 दिवसीय जन्म महोत्सव परिसर में ही मनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।